जगदीशपुर में 6 मार्च 2024 को वार्ड 15 के जागा के पीपल निवासी सुनीता पांडे की पोती 4 वर्षीय मासूम बच्ची घर के बाहर खेलने के दौरान अचानक गायब हो गई। बच्ची के दादा और दादी ने बताया कि स्कूल से पढ़कर आने के बाद घर के बगल में और बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि एक अनजान महिला उसी बच्ची को लेकर बाजार के रास्ते जा रही थी। फिर इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। बच्ची की मां अनीता पांडे का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन से बच्ची को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई गई है। सुधीर कुमार की जगदीशपुर से रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं R9 भारत। आज हम मौजूद हैं जगदीशपुर के वार्ड नंबर 15 में जागा के पीपल के पास, और यहाँ एक कल शाम से छोटी सी 4 साल की बच्ची जो लापता है और पूरे परिवार का बुरा हाल है रो रो कर, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। जी, क्या कब की क्या घटना हुई है? ये कल दोपहर की घटना है। 2 बजे जब वो स्कूल से आई है, इसके बाद स्कूल से आने के बाद वो घर से बाहर निकल गई है कपड़ा पहने, और इसके बाद 3-4 बजे तक जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि मिलेगी। जब हम स्कूल से पढ़ा के आए, इसके बाद 4 बजे से उसको ढूंढना शुरू किए हैं। ढूंढते रात को 12-1-2 बजे तक ढूंढे हैं। फिर हम शाम को उसी समय 6 बजे जाके प्रशासन के पास भी दिए हैं, व्हाट्सएप से उन लोग शेयर में भी ग्रुप किए हैं वो लोग, लेकिन फिर भी हमारी पोती नहीं मिली। हमको विश्वास था कि सुबह में हो सकता है किसी ने पकड़ा होगा या कहीं सो गई होगी तो आ जाएगी, लेकिन 10 बजे तक भी नहीं आई। फिर कैमरा चेक करते करते हमको पता चला है कि 2 बजे वो मेरे घर से निकली है, और 2:06 में कनक के पास है, 2:08 में दीप सौ के पास है, इसके बाद 2:12 में वहाँ पे चौधरी जी के दुकान के पास है, फिर 2:22 में मंगरी चौक पे एक औरत 2 लड़कियों का हाथ पकड़ के जाते हुए दिखी है, फिर 2:40 का भी एक वीडियो कैमरा में दिखा जी। प्रशासन में आपने सूचना दिया है? FIR? हाँ, प्रशासन में हमने FIR सुबह में भी जाकर लिखाए हैं, कल रात को 11 बजे भी आवेदन दिए थे, और फिर प्रशासन भी साथ में आई है, पूछताछ किया है, कैमरा को भी ओपन किया है, देखा है, दिखवाया है, और अभी भी हम लोग प्रशासन के ऊपर भी है। आप देख रहे हैं कि अभी जो छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची लापता है, उनकी दादी जी से बात हुआ, 4 साल की बच्ची है, और आइए उनके माँ से कुछ बातचीत करते हैं। ये माँ है। अरे हम बच्ची 4 साल के पेट ले लो है, तब बच्ची आके दे लो जा, हम ना मारवाई पिटवाई वो हजली के दीदी साहब दोरियो पर छोड़ दिया ना, तब हम अपन बाबू के ले ले बच्ची के रहत रही है, तब बाबू ने भी कह के पकली हमते कहत रही तो दो बात में मैंने कल स्कूल से आने के बाद हम जल्दी में हमारे बच्चे हरे खेला कोई हम बराता है होते हैं कोई हाँ जी जी हाँ, तो हम जो है तभी के मम्मी से कहने के मम्मी आज चीज तब खेले लेके मेठी उनका नाम दे दे रहनी है, उनका सुगंध के चलते, उनका बोली के चलते, हम कहा बताइए कि ग्रास से अपन दिन के बात बताइए। हम हमारे बच्चे के चुरा के ले गए लान जा, कोई लड़का चुरा वाला था जो लड़की को चोरी हो गए खेल गली सर कोई चोरौले हो कि चाहे लड़कियो ले गल मेहरारू ले गल बाली जा, 2 गो मेहरारू ले गल बाली जा, कमरा लोग पता ली जा, हमारे से मंगल रहू रह जाता, हम खुशी से दे दिल रहती बच्चे के, लेकिन चोरा के ले गल जा तब सबूत नहीं किया होता कि हमारे बच्चिया के ले गई। आप देख रहे हैं कि कितने दुख की घड़ी में परिवार परेशान दिख रहा है। R9 भारत की समस्त टीम कामना करती है कि जल्द ही इन्हें अपना बच्चा मिले। आइए इनके कुछ दादाजी भी बैठे हुए। कब आपको पता चला दादाजी कि कल 2:30 बजे जी जी आपका नाम क्या है? बी एन पांडे। आपने देखा कि परेशान है परिवार, कल शाम से ही उनकी बच्ची गायब है। फिर हम पूरी रिपोर्ट के साथ जुड़ेंगे जगदीशपुर से, तब तक के लिए सुधीर कुमार जगदीशपुर।